खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चला रही है। इसके लिए सरकार ने डेडलाइन 30 नवंबर तक तय कर रखी है। इसके बावजूद भी प्रशासन गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। इस बीच सूबे में नगर निकाय के चुनाव की तारीख भी करीब आ गई है। जनता को गड्ढा मुक्त अभियान शब्द सुनने की आदत सी पड़ चुकी है। शहरों और कस्बों की सड़कें गड्ढा मुक्त होने से निकाय चुनाव में बीजेपी को फायदा हो सकता है। वहीं विपक्ष का दावा है कि अभियान तो फेल हो गया है, अब खाना पूर्ति हो रही है। ऐसे में क्या सरकार गड्ढे मुक्त अभियान से चुनाव में फायदा उठा सकती है? वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि प्रशासन को कार्य में तेजी लाने के लिए कहा गया है। दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता का कहना है कि पिछले दिनों एनजीटी की ओर से प्रदूषण को लेकर ऑटोमिक्स प्लांट बंद थे, ऐसे में सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया जाना मुश्किल है। इसी के चलते अभियान की समय सीमा बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद से आम लोगों को गड्ढा मुक्त सड़क की उम्मीद बनी हुई है। बीजेपी के मुताबिक नगर निकाय चुनाव को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा रहा है। गड्ढा मुक्त सड़कों की बात है, गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लगातार इस पर काम हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि अब चुनाव आ गए हैं नगर निकाय के या कोई और चुनाव है तब जाकर के सरकार ने सुध ली है। इसके पहले लगातार प्रतिवर्ष इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि प्रदेश की जनता खुशहाल हो सके और आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न प्राप्त हो। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सड़कों का लगातार निर्माण भी हो रहा है। जाहिर है कि अब चुनाव करीब हो तो हर छोटे से छोटा मुद्दा भी बड़ा बन जाता है। सड़क के गड्ढे को लेकर यूपी में पहले भी चुनावी सियासत हो चुकी है, जो सरकार को घेरने का मुफीद हथियार बन गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सरकार गड्ढा मुक्त अभियान से चुनाव में फायदा उठा सकती है? इसी को लेकर हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने आम लोगों से गड्ढा मुक्त अभियान का जायजा लिया। वहीं गड्ढों को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए। के लिए अभियान चलाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गड्ढे हैं, इसका अभियान 15 दिन के लिए था, लेकिन इसको 15 दिन और बढ़ा दिया गया, यानी 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से क्या नगर निकाय का चुनाव भी नज़दीक है, तो क्या चुनाव कुछ लोग हैं ये, इनसे जानेंगे कि सरकार की क्या है, कि क्या चुनाव को देखते हुए ही इन गड्ढा को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम आरन सिंह है। अच्छा। तो मैं यहाँ का भी निवासी हूँ। सूबे की सरकार ने 15 दिन के अंदर सभी उत्तर प्रदेश सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया, तो क्या लगता है कि चुनाव है इसको देखते हुए ही ये अभियान है? ये सब चुनाव की बात है, चुनाव में जो है गड्ढा मुक्त और ये जितने सड़कें हैं वो सब उनका याद आते हैं। बाकी बरसात में जो हालात होते हैं यहाँ के वो सबको पता है, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं तो इतने इतने पानी में की वजह से वो स्कूल जा नहीं पाते, या तो वो गिर पड़ते हैं उसमें। और रोडों के साइड जो लिंक रोड हैं छोटे छोटे, उनमें कोई भी निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है, सब ऐसे कैसे ही पड़े हुए हैं। 30 नवंबर तक सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो किसके बाद भी काम होते हैं? उसके बाद कोई नहीं होता है काम, सब ऐसे ही ठप पड़ा रहता है। क्योंकि चुनाव का ही जब होता है तभी आदमी को याद आती है कि भाई गड्ढे हैं इनको भराया जाए, लोगों की समस्याओं को जो है सुना जाए, अन्यथा बाकी 5 साल में कोई नहीं आता। आज तक विधायक जी यहाँ नहीं आए, जो यहाँ से पिछले 5 साल कोई विधायक जी यहाँ नहीं आए कि यहाँ की जनता की क्या समस्या है, क्या है। कोई प्रधान जी यहाँ नहीं आते क्योंकि कहते हैं कि यहाँ का वोट नहीं है तो हम यहाँ का काम क्यों करें। भाई जिनको वोट दिया है वो उनका काम करेंगे, हम लोग ने वोट तो दिया नहीं है तो हम लोग का काम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ के प्रधानी में हम लोग का वोटिंग ही नहीं थी, हम लोग ने कोई उसमें जो है मत दिया ही नहीं है। है मात्र मुख्यमंत्री आवास से मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है, जहाँ पर सड़कों में अभी भी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। और लोगों का, यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये चुनाव नगर निकाय का चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर सरकार का यह अभियान है। कैमरा पर्सन विजयन के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज, लखनऊ।